जा रही है क्या? हाँ, कल से सभी बसें चालू कर देंगे। अच्छा सर, इसमें कैसे क्या रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह या किराया वगैरह को लेके? इसमें किराया तो जो शासन के अभी किराया बढ़ाने का आदेश हुए नहीं है। अच्छा, तो किराया तो हमारा वही रहेगा जो पहले से चला रहा है, एक रुपये प्रति किलोमीटर। बाकी कम किराया पहले कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी कर देते थे, वो अब हम कर नहीं पाएंगे डीजल के बढ़ोतरी की वजह से। और शासकीय कर्मचारी को जो कंसेशन देते थे, वो कंसेशन बंद कर दिया आज से। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग का जो बात है, गाड़ी तो सर पूरी जो उसकी क्षमता के हिसाब से चलाने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, पर हमारी ये रहेगी कि सवारी जो मास्क लगा के आए, सैनिटाइजर करेंगे, और उनको जो भी COVID-19 के जो नियम है उनको वो उनका पालन करवाने की कोशिश पूरी करेंगे। अभी इसमें आज कौन कौन से बस के मालिक हैं यहाँ पे आए हुए? बस के पूरे जिले के मालिक थे। अच्छा, जावरा से थे, अयूब में मनीष जैन, फिर भाजना से विकास अग्रवाल। कुल मिला के कितने ड्राइवर होंगे रतलाम जिले में? और ये ड्राइवर कंडक्टर जो अभी आज तो आए थे कम से कम 200 ड्राइवर कंडक्टर। अच्छा, तो इनकी ये आज ये हड़ताल पे जाने वाले थे वापिस आज। अच्छा, इनकी मांग शासन ने भी पूरी नहीं की कुछ भी। अच्छा अच्छा, तो फिर इन्होंने हमारे सामने 5 मांग रखी थी, तो उसमें हमने 3 मंजूर करके हमारी तरफ से जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं वो करने का मैंने पूरा आश्वासन इनको दिया है। इसके बाद ही इन्होंने हड़ताल अपनी कैंसिल करी आज। अच्छा, तो ये कल से ये हड़ताल पे 10 तारीख तक जाने वाले थे, बाकी इनकी मांग उन्होंने पूरी करके और वो इनको राजी कर लिया वापस संचालन। क्या मांगते थे सर, बताइए? इनकी एक तो ये मांग थी कि हमको 5 माह का जो अनुदान कुछ भी 7,500 रुपये महीना दिया जाए, और COVID-19 के अंतर्गत जो ये 4,50,00,000 का बीमा जो कोरोना योद्धा, उसमें ये कुछ शामिल होना चाह रहे थे कि हमको सरकार उसमें शामिल करे, और बिजली का बिल माफ़ करने का भी बोल रहे थे कि वो भी माफ़ किया जाए, और एक जो बच्चों की स्कूल की फीस, तो ऐसी कुछ इनकी 4-5 मांगे थी, तो उसमें से और एक बीमे की जो थी, तो बीमे का तो हमने हमारा कर ही लिया मंजूर कि बीमा हमारा जो गाड़ी का होता है उसमें इनका बीमा हम करवाएंगे, करवाते ही हैं। और एक इनका रजिस्ट्रेशन का था कि हमारे यूनियन रजिस्ट्रेशन, वो अब मैं करवाऊँगा। और तीसरी थी कि एक मांग और थी बीमे की तो हो ही गई पूरी, तो कल से ये इनका संचालन शुरू करेंगे। आप किस पद पे सर? मैं रतलाम जिला बस एसोसिएशन के अध्यक्ष पद। ठीक।